दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा का फैन होना पड़ा भारी। सिक्योरिटी तोड़कर रोहित शर्मा से मिलने पहुंचा छोटा बच्चा तो लगा लंबा चौड़ा फाइन। नहीं है फाइन चुकाने के पैसे तो पहुंच गया सलाखों के पीछे। तो आखिर कौन है वो रोहित का फैन बॉय, कितना फाइन लगाया गया है उस पर और क्या है पूरा वाकया, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत ने जिम्बाब्वे को पीट कर शान से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने 71 रन के बड़े अंतर से जिम्बाब्वे को हराया और इस बड़ी जीत के साथ ही भारत ग्रुप टू में पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पछाड़कर टॉप में पहुंच गया और अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है। इस मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों की लाजवाब बॉलिंग के सामने जिम्बाब्वे की टीम महज 17.2 ओवर में ही 115 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इस मैच में हुए एक वाक्य ने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दरअसल जिम्बाब्वे की टीम जब लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो इस दौरान एक बच्चे की वजह से मुकाबला थोड़ी देर के लिए रोका गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैच के दौरान एक बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर सिक्योरिटी को तोड़कर मैदान में घुस गया और रोहित शर्मा के पास पहुंचकर रोने बिलखने लगा। बच्चे को रोकने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी भी उसके पीछे भागी और एक पुलिस ऑफिसर ने बच्चे को जोर से पटक कर दबोच लिया। बच्चे के साथ इतनी सख्ती देखकर रोहित सहित बाकी के भारतीय खिलाड़ी खुद को रोक नहीं पाए और कप्तान रोहित दरियादिली दिखाते हुए दौड़कर ऑफिसर्स के पास आए और बच्चे को आराम से ले जाने का इशारा किया। इसके बाद पुलिस बच्चे को स्टेडियम से बाहर ले गई। लेकिन दोस्तों, ये मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस बच्चे पर ऑस्ट्रेलिया ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम तो सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि ये बच्चा इतनी रकम देगा कैसे। रिपोर्ट्स के अनुसार मैदान में घुसने के लिए बच्चे पर सजा के तौर पर 6.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जब तक वो बच्चा यहाँ फाइन नहीं चुका देता तब तक उसे पुलिस की निगरानी में ही रखा जाएगा, जो सच में दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि इस बच्चे की उम्र महज 19-20 साल है और इतना छोटा बच्चा सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए, मिलने के लिए आया था। उस हिसाब से इस पर इतना लंबा चौड़ा फाइन लगाया जाना किसी भी तरह से सही तो नहीं है। आपको बता दें कि वो मेलबर्न का निवासी है और वहीं पर रहकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता है। टीम इंडिया को देखने के लिए वो स्टेडियम में पहुंचा हुआ था। उस दौरान वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और बीच मैदान में पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।